ये तो जाहिरी सी बात समझी जा सकती है कि आपने आंख खोली और आपने मौसीकी सुनी, बिल्कुल और आपने उसी वक्त, मुझे लगता है ऐसा है कि आपने पिकअप शुरू करना कर दिया होगा कि ये सुर क्या चीज है और ये सांस क्या चीज है, बिल्कुल तो माशाल्लाह से। और आपने पहला अपना गाना कब गाया या गजल कब गाई, कौन सी उम्र में? 1977 में मैंने पहली बार सोलो गाया था। अच्छा, उससे पहले मैं अपने वाले साहब के साथ में उनको असिस्ट किया करता था, जी तो ख्याल और ठुमरी जो हमारे यहाँ की जो स्पेशलिटीज हैं। जी तो ये 77 में एक 1977 में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था ईडन गार्डन्स में, अच्छा कलकत्ता में जो ईडन गार्डन, जी 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 बिल्कुल तो उसमें ये यूथ फेस्टिवल हुआ था। तो उसमें ज़ाहिर है यूथ जितने भी उस ज़माने के जो यूथ थे तो उनको एक मौका मिला था, और उसमें तकरीबन 50,000 आदमी था। वाह, 50,000, माशाल्लाह। तो वो 50,000 आदमी था क्योंकि ये बंगाल में जो है ये मौसीकी जो है उसे जी एक बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आज जी भी हिंदुस्तान में मौसीकी जिंदा है तो बंगाल की वजह सही से। बात कह रहे हैं, क्या बात। तो मेरे वाले साहब भी गए थे मेरे साथ में, अच्छा तो मैं जो विंग्स में खड़ा हुआ था, अच्छा अब स्टेज पे जाना है मुझे, तो मेरी टांगे जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टकरा रही थी, कांपना तो दूर की बात है, वो मतलब लिटरली एक अर्थक्वेक आया हुआ था मेरी बॉडी में। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही जी, कि अगर आज कि तुमने जो आवाज़ लगानी है और जो तुमने गाना है, अगर आज नहीं हुआ तो भाई सारी ज़िंदगी तुम शकील हो, सही बात है, सही, तो नाउ और नेवर। नाउ तो बस बहरहाल ये उनकी बात ज़रा थोड़ी सी कुछ बहरहाल मैं गया और जी अपने बुज़ुर्गों को याद किया और अल्लाह से दुआ की कि बस इज़्ज़त जो है वो हम तो जी कोशिश करेंगे, सही लेकिन बात है, लेकिन वो इत्तेफाक से ये हुआ कि वो प्रोग्राम मेरा बड़ा अच्छा हुआ अच्छा और हुआ, दो चार सेकंड के बाद में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने वहाँ पर जो साहब गाया मैंने बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छा, सराहा उसको, बड़ी तारीफें हुई, हाँ बड़ी मुबारकबाद हमारे वाले साहब। तो उसके बाद से फिर बस वो जिसको कहते हैं ना हमारे पंजाबी में कहते चाखा खुल जाता है, तो वो जो जो वो जो भी उस वक्त जो लिमिटेशंस हाँ थी वो आपकी, सारी सब निकल गई। खत्म तो हो गई, स्टेज में जो है यू फील वेरी मच एट ईज, यस यानी कि आप जैसे पूरा हाँ कंफर्टेबल हो जी जाता, जी हाँ। कंफर्टेबल, तो बस उसके बाद से ये सिलसिला रहा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो यू नो हम अभी आप जैसे कह रहे थे कि आपके जो थे बाप दादा, यू नो जो वो अपना दरबार में थे, जी तो यू नो हम जो अगर आपसे जो अगर आपने कोई स्टोरी सुनी हो आपके यू नो आपके वालिद साहब से या आपके परदादा से, कि हम जो मूवीज में देखते दरबार में जो बादशाह का जो रोब होता है वो जी अपना वो उसको हवाएं देते होते, ऐसा ही था, ऐसा ही आपने कोई स्टोरी को सुनी, कोई ऐसा यहाँ माहौल? बिल्कुल ऐसा ही होता था हाँ माहौल। हाँ जी और ये देखिए ऐसा है कि जो ज़माने के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है यानी कि जिसको रिवायती संगीत कहें बिल्कुल या सही, मौसीकी कहें, तो अब एक आदमी जो उस्ताद है जो रिवायती मौसीकी गाता है या बजाता है जो भी कह रहे हैं आप, तो उसको समझने के लिए भी आपको भी मौसीकी में थोड़ा बहुत आपका अमल बिल्कुल दखल होना चाहिए, होना ऐसे तो आप चाहिए, समझ में नहीं आएगा। जी सही बात अब मैं मिसाल के तौर पे कह दूं कि साहब मैं ये मियाँ की मलहार गा रहा हूँ, तो अब जिसको नहीं खबर है इसकी तो उसके लिए तो वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेकार ये है। तो ये बहुत ज़रूरी था उस ज़माने में, राजे महाराजे जो होते थे, रजवाड़े जो होते थे, वो लोग बाकायदा इसकी तालीम लिया करते थे, उसको पेट्रोनाइज करते थे, क्या बात तो खुद भी बहुत अच्छा कलाकार भी थे, खुद भी कलाकार जैसे कि हरी सिंह जी जी बड़ी अच्छी बीन बजाते थे, बीना बजा बड़ी अच्छी बजाते थे, अच्छा तो जाहिर है वो करते थे, तो फिर उनको परख भी थी कि भाई कौन अच्छा है, क्योंकि कौन दरबार अच्छा में तो रोज़ आ रहे हैं लोग, जी जी अब भाई किनको रखना है किनको नहीं रखना है किनको सुनना है, क्योंकि उनकी समाज जो थी वो बड़ी बुलंद थी। तो ये सारी बातें जो हैं जो होता था जो होता था उस ज़माने वाह, में जो है वो, जैसे कि महाराज रणजीत सिंह हैं हाँ उनके उनको भी बड़ा जो है इस बात का बड़े कान रसिया थे, वो भी जानते थे, और महाराज भूपेंद्र सिंह जो हैं उनकी भी बड़ी मशहूर बातें हैं कि वो चिड़े कहते हैं हमारे पंजाबी में, वो चिड़े खाते थे शाम को, अच्छा, तो वो चिड़े कहते हैं, तो वो जाहिर है वो एक उनका स्नैक होता था वो, जी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह के लिए बड़ा मशहूर था महाराज पटियाला के लिए कि वो बड़ी पहलवानी भी करते थे और बड़ा तगड़ा उनका जिस्म था, तो उनकी खुराक भी उस किस्म की, तो ये खास खास चीज़ें जो हैं बटेरे चिड़े यानी बटेरे वो चिड़े उसको चिड़े कहते हैं। तो उनके यहाँ पर इमाम बख्श और गामा भी पटियाला अच्छा दरबार में थे, क्या बात अच्छा है हाँ, तो जब चिड़े गाते थे मतलब खाते थे वो, तो वो फतेह अली खान साहब यानी कर्नैल और जनरल नाम रखा हुआ था दो गवैयों का उन्होंने, अच्छा, अली बख्श जनरल और फतेह अली कर्नैल, अच्छा,
तो वो जो कि भाई हम पूर्वी सुनेंगे उस टाइम पे। जी जी आप कहिए, आप शुरू करिए। तो वो यानी कि उस जमाने में वो लोग यानी कि इतना उनका कि ये जो टाइम है डस्क का यानी कि बिल्कुल मगरिब हो रही है तो वो उस राग जो है ना पूर्वी हमको सुनना है जी, जी, तो वो खास वो खाते भी थे और वो सुनते भी थे। और शाम को जो है वो जो है वो मालगांव ये दरबारी या नायकी कांगड़ा कुछ ऐसी राग जो है वो जो उनका मूड आया उस वक्त जब आगे श्री सुने हैं जी। तो ये रहा है, ये बहुत जरूरी है, वरना फिर आपने क्लासिकल म्यूजिक हम सुनते हैं और अगर आप ना समझें तो जाहिर है वो फिर तो बहुत खराबी है। नहीं नहीं वो तो हमने भी कहानियाँ पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं और इस तरह से जब वो देखते थे तो हमें होता था कि जब जो लोग वहाँ पे मौजूद थे और जिन जो ये लोग करते थे गाते थे और इनके खास खास जो लोग जमा होते थे उनके उनके दोस्त अहबाब उनके ये सब लोग तो वो क्या माहौल बनता होगा, माहौल के बगैर तो हो ही नहीं सकता। और उनके वक्त मुकर्रर होते थे कि इस वक्त ये सुना जाएगा, इस वक्त ये खाया जाएगा, ये तो क्या बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी रिवायत को हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से जो लोगों को समझ है हिंदुस्तान में वो इसकी सेवा कर रहे हैं, संगीत की खिदमत कर रहे हैं। तो ये सिलसिला खत्म हो जाता है, ये जो क्लासिकल चलता है ये तो आपको मैं मिसाल देते हूँ, जैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक तो उसके सुनने वाले भी बड़े कम हैं। बहुत सही बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूरोप में ये देख लें या आप कहीं अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में देख लें, उसको सुनने वाले कम होंगे। और जो आज की मौसीकी है उसके सुनने वाले बहुत हैं। तो ये हमेशा से है, तो ये कि बारह लोग जो है इसकी सेवा कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, इक्का दुक्का भी अगर कोई एडिशन हो जाता है, इसको शौक हो जाए कुछ तो अच्छी बात है। फॉर द कॉज ऑफ म्यूजिक इट्स वेरी इट्स अ ग्रेट थिंग। तो आप बताइए, आप पहली दफा आप बता रहे थे कि आप पहली दफा कनाडा आए, तो आपका जो मकसद है यहाँ आने का वो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं। शायद इनमें कोई ऐसे लोग हों जो आपसे रब्ता कायम करना चाहें इसी सिलसिले में। जी, मैं जोश लिटरेरी सोसाइटी यहाँ पर है जिसके प्रेसिडेंट हैं इकबाल हैदर साहब जी, बिल्कुल, तो मैं उनका मेहमान हूँ। अच्छा। और उन्होंने खास तौर से मुझे बुलाया है यहाँ पर, कई सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा वक्त हम भी दे पाए। तो इसमें ये है कि ये काम जो वो करना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसे शौरा जिनको इतना ज़्यादा यानी किताबों में महफूज तो वो हैं जी, लेकिन सरेआम जो है अभी तक उनकी जो है ना उनका काम आया नहीं। तो उनकी रुबाइयात हों या उनकी गज़लियात हों, उनकी नज़में हों, तो उनको इकट्ठा करके जो है उन्होंने एक वो किया है। तो इसका प्लान है कि इसको हम सीरियल वाइज यू नो सीडीज पे डालेंगे। अच्छा, ये करेंगे तो काम बहुत ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बड़ा तहकीक चाहिए इसमें। उन्होंने ये काफ़ी ज़माना उन्होंने अपनी जो लाइफ का जो है वो इसमें दिया है, रिसर्च करके वो चीज़ें निकाली हैं उन्होंने। तो अब हमसे कहा गया कि आप जो है ना इस पर थोड़ा सा मौसीकी की रोशनी डालें। अच्छा। और फिर इसको क्या बात है, आपने इतना वक्त निकाल के आप आए हैं, इससे जाहिर होता है हमारे सुनने वालों को भी हम बताते चलें कि आप लोग भी अगर उनसे रابطہ कायम करना चाहें और उनकी कुछ मदद करना चाहें, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जैसे कि ये बता रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे पास वो पूरा वो इकट्ठा हो जाएगा, एक तरह की पूरी लाइब्रेरी इन अ फॉर्म ऑफ रुबायात और कहानियाँ और मौसीकी सब मिलाकर। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा काम करने आए हैं आप यहाँ पर, इसका आपको हम सब की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें सारी बातें हमारे हरजीत साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको लेकर आए हैं, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इकबाल हैदर साहब का भी बहुत ज़्यादा हम उनको पर्सनली जानते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये रिसर्च की और इसके ऊपर उन्होंने इतना काम किया, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आप हमें कुछ सुनाना पसंद करेंगे? ये मैं तो अपने साज लाया नहीं हूँ लेकिन आपसे तो कहा गया था कि रेडियो पे जो है हाँ वो मैं सुनाऊंगा जरूर। अच्छा, तो ठीक है, देखते हैं कुछ क्या बनता है। अच्छा।